मुर्दाबाद प्रेसिडेंट एमसी मुर्दाबाद 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 प्रेसिडेंट एमसी मुर्दाबाद 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 प्रेसिडेंट एमसी मुर्दाबाद गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी प्रेसिडेंट तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी प्रेसिडेंट तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी प्रेसिडेंट तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी प्रेसिडेंट तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी प्रेसिडेंट तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी प्रेसिडेंट एमसी उधमपुर मुर्दाबाद 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 प्रेसिडेंट एमसी उधमपुर मुर्दाबाद 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 प्रेसिडेंट एमसी उधमपुर मुर्दाबाद 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 प्रदर्शन किया गया इसकी जानकारी देखिए ये जो प्रदर्शन है ये हमारा जो मेगा प्रोजेक्ट हमारे उधमपुर के लिए आया था 2 करोड़ का ये उसके खिलाफ हुआ है। हम लोगों ने अपने यहाँ पर जनरल मीटिंग में ये डिसाइड किया था कि ये जो 2 करोड़ रुपया हमारे उधमपुर के लिए आया है ये हम पूरे वार्डों में सभी वार्डों में इक्वली डिवाइड करेंगे, लेकिन अब हमें पता चला है, कल ही हमें ये पता चला है कि ये मेगा प्रोजेक्ट कुछ वार्डों में कुछ मेगा प्रोग्रामों के लिए इन्होंने सेलेक्ट कर दिया। किससे पूछकर ये चीज़ें इन्होंने सेलेक्ट की हैं हमें इसी का जवाब चाहिए। जब हमसे डिस्कशन ही नहीं की, हमारे उधमपुर का पैसा ये कहीं मतलब ऐसे ही वेस्ट करने के लिए ये पैसा जा रहा है। अगर 2 करोड़ हमारे उधमपुर के मेगा प्रोजेक्ट को दिया गया था तो मेगा हमारे उधमपुर में बड़ी प्रॉब्लम्स है, पानी की प्रॉब्लम्स है, मेगा चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तो ये वहाँ हमें चाहिए था। इन्होंने इस चीज़ का मिसयूज़ किया, हम इसी के अगेंस्ट आज यहाँ पर खड़े हैं। धन्यवाद। ये जो प्रदर्शन किया गया है ये म्युनिसिपैलिटी प्रेसिडेंट के अगेंस्ट किया गया है, क्योंकि ये इनकी कथनी कुछ और है और करनी कुछ और है। सबसे पहले ये आते हैं हाउस में मीटिंग करते हैं, 2-4 चीज़ें दिखाते हैं और बता देते हैं, उसके बाद जब ये रेजोल्यूशन या आगे फॉरवर्ड करते हैं तो उसमें कुछ और ही डाल देते हैं। ये अपने काउंसलर्स, जो हम काउंसलर्स जो इनकी रिस्पेक्ट करते हैं कि उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, ये उनके साथ भी धोखा कर रहे हैं, आंखों में धूल झोंक रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं लिस्ट है, लिस्ट हमें कल पता चली कि इन्होंने अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डाल दिया, कहीं इन्होंने अपनी मर्ज़ी से क्या कहते स्टैचू इंस्टॉल कर दी। स्टैचू किसकी, प्रेसिडेंट साहब की लगनी है या वाइस प्रेसिडेंट की लगनी है या किसी और की लगनी है या सारे काउंसलर्स की लगनी है, किसी को पता ही नहीं है। तो अगर ये इन्होंने प्रेसिडेंट साहब ने ऐसे काम करने हैं और अपनी मर्ज़ी करनी है तो बेटर है कि वो रिज़ाइन कर दें और घर में आराम से बैठे। दूसरे अच्छे लोग भी हैं इस शहर में जो काम कर सकते हैं। ये भी देखा जा रहा है कि स्विमिंग पूल बनाने की बात भी कही जा रही है, वो कहाँ बनाई जा रही है? स्विमिंग पूल क्या करना है जी, आप बताइए पहले तो शहर में पानी की इतनी प्रॉब्लम है, तो ये 2 करोड़ दे देना ये पीएचई डिपार्टमेंट को, उसमें 40 लाख पीने के लिए पानी नहीं शहर के लिए और स्विमिंग पूल बना रहे हैं, स्विमिंग पूल में पानी डालेंगे कहाँ से? तो ये दे दीजिए पीएचई डिपार्टमेंट को पानी, पैसा दे दीजिए ताकि हर लोगों को पानी की समस्या खत्म हो जाए। पर ये क्या सोच के आते हैं और क्या सोच के ये करते हैं ये तो हमें नहीं पता, ये बेटर तो वही जवाब दे सकते हैं। देखिए आज एमसी उधमपुर प्रेसिडेंट एमसी उधमपुर के खिलाफ यहाँ पे जोरदार प्रदर्शन किया गया है और नारेबाजी उनके खिलाफ की गई है। पिछले दिनों 2 करोड़ रुपया उधमपुर टाउन के लिए आया था और जब यहाँ पे सर्वसहमति से ये फैसला लिया गया कि 9.5 लाख रुपया हर एक पार्षद को, क्योंकि रवि जी और आकाश जी आपने भी उस दिन इनकी वाइड ली थी और उनमें प्रेसिडेंट एमसी उधमपुर ने ये कहा था कि 9.5 लाख रुपया हम हर एक काउंसलर को दे रहे हैं। और आज जब हमने कल ये देखा, ये इन्होंने नया फरमान यहाँ पे जारी किया। मैं तो प्रेसिडेंट साहब को कहना चाहूँगा कि आप थूकिए और चाटिए, आप एक तरफ 9.5 लाख रुपया तमाम काउंसलरों को दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप 40 लाख रुपया स्विमिंग पूल के लिए दे रहे हैं और 2 करोड़ की आपने बंदर बांट कर दी। पिछले 3 साल से हम उधमपुर के लोगों के लिए लड़ रहे हैं, पानी की समस्या इतनी है, जब भी हम जल शक्ति विभाग के कार्यालय में जाते हैं वहाँ पे ये की बात की जाती है कि अब हम आपके अधीन आ गए हैं, हमें अपनी म्युनिसिपैलिटी से कुछ फंड्स दीजिए। बदकिस्मती समझूंगा उनकी ज्ञानता की, प्रेसिडेंट साहब की ज्ञान की बदकिस्मती समझूंगा, इन्होंने स्विमिंग पूल को प्रायोरिटी दी। उधमपुर के लोग प्यासे रह जाएं, लेकिन इनको 40-50 लोग जो वहाँ पे उस क्लब के मेंबर हैं उनको मस्ती कराने के लिए 40 लाख रुपए का स्विमिंग पूल ये वहाँ पे दे रहे हैं। हम इनके फैसले का स्वागत करते अगर ये 40 लाख 50 लाख या 1 करोड़ रुपया जल शक्ति विभाग को देते और उधमपुर में लोगों को पानी की समस्या जो थी उससे निजात दिलाते। सर देखिए आज हमारे हाउस के अंदर यहाँ एक हमने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी और उसका मेन रीज़न ये था कि 2 करोड़ के प्रोजेक्ट एक हमारे उधमपुर के अंदर बनने जा रहे थे।
और जब सबको पता चला कि जो डिस्कशन यहाँ हाउस के अंदर हुई थी, मेन में आप आपको इसमें बता दूं कि डिस्कशन का मेन मसला ये था कि हमारे प्रेसिडेंट साहब यहाँ से दिल्ली चले गए और उनके जाने के बाद यहाँ पर चर्चा होती है, लेकिन वो पहले से सारे प्रोग्राम या पूरे जो प्लान बने थे उनके घर के अंदर बैठकर बने थे। सभी ने इसका ऑब्जेक्शन किया है, बीजेपी के जो काउंसलर हैं उन्होंने भी ऑब्जेक्शन किया, आज यहाँ मीटिंग में भी कुछ आए थे, जब हमने बोला कि आप ग्रुप में डालते हो और इनका आईना और इनकी सच्चाई जो है यहाँ पर बयान कीजिए मीडिया के आगे, पूरे उधमपुर को पता चलना चाहिए कि इनकी करनी और कथनी में क्या अंतर है, लेकिन वो सारे यहाँ से चले गए हैं। आज हमने 2 साल का इन्हें टाइम दिया कि हम मिलजुल कर उधमपुर के लिए काम करेंगे, लेकिन ये उधमपुर के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने लीडरों के लिए और अपने लिए, सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिसका आज सारे काउंसलर विरोध कर रहे हैं। हमने इन्हें कहा था कि हमारे उधमपुर के अंदर पानी की त्राई त्राई हो रही है और सारा का सारा पैसा पानी के लिए दे दीजिए, ताकि हमारे उधमपुर टाउन के अंदर जितने भी लोग परेशान हैं उन्हें पानी पीने के लिए मिले। ये बोलते हैं कि एक हमारा यहाँ स्विमिंग पूल बनने जा रहा है। मैं इनसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि स्विमिंग पूल में हमारे उधमपुर शहर के लोग नहीं जा सकते, वहाँ वो डिस्ट्रिक्ट का स्विमिंग पूल है, वहाँ बड़े चुनिंदा लोग जाएंगे तो हमारे उधमपुर के लोगों को क्या बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद इन्होंने एक स्टैचू रखा है। मैं इनसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ निरंकारी मिशन में एक हमने चौक का नाम देना था, तो वहाँ पर यहाँ पर रेजोल्यूशन डलवाया कि इसके बिना हो नहीं सकता। उसके बाद हमने दूसरा नाम यहाँ तेग बहादुर जी का नाम यहाँ एक चौक चेंज करना है, उसके लिए यहाँ पर इन्होंने रेजोल्यूशन मंगवाया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि कौन सा स्टैचू वहाँ लगेगा और किसको इन्होंने पूछा, किससे पास करवाया, क्या ये वहाँ पर बीजेपी के लोगों ने पास कर दिया और यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे आकर। हमारी म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर जो भी काम होंगे इस हाउस के अंदर जब तक पास नहीं होगा तो हम यहाँ कोई भी काम इन्हें इस तरीके से नहीं करने देंगे, तानाशाही नहीं करने देंगे। और आज हमने यहाँ पर इन्हें चेतावनी दी है और मैं इन लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर ये लोगों के नुमाइंदे चुनकर आए हैं तो सिर्फ पार्टी का काम ना करें, लोगों का काम करें, नहीं तो आने वाले दिनों में उधमपुर के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन हम यहाँ पर छेड़ने जा रहे हैं। देखें, तमाम उधमपुर वासियों को मैं कहना चाहता हूँ कि जब काउंसिल के अंदर जो रेजोल्यूशन पढ़ते हैं, जो सही रेजोल्यूशन, जो एक उधमपुर के लिए अच्छे रेजोल्यूशन थे, हमने पिछले दिनों जो स्टार्टिंग में हमने जब मीट मार्केट का शिफ्टिंग का हमने रेजोल्यूशन डाला, पॉलीथीन का डाला, इलीगल रेडी फेडी का, और इन्होंने वो रेजोल्यूशन फॉरवर्ड नहीं किए और जो अपनी मर्जी होती है उसको ये फॉरवर्ड करते हैं। मैं आपके माध्यम से उधमपुर वासियों को कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास लेके जो हम चलते हैं, लेकिन ये जो यहाँ काउंसिल के अंदर आप देखें ये अपनी डिक्टेटरशिप करते हैं। नंबर जब मैंने पहले इंटरव्यू में बोला था कि यहाँ डिक्टेटरशिप हो रही है, आप देखें, मैं मीडिया के माध्यम से उधमपुर वासियों को कहना चाहता हूँ कि मेगा प्रोजेक्ट का, पहले इन्हें मेगा प्रोजेक्ट का पता ही नहीं था कि किस फंड में आया, किस स्कीम में आया। IDMT का ये चर्चा हुई है कि मेगा प्रोजेक्ट 2 करोड़ का IDMT में आया, बाद में पता चला कि मेगा प्रोजेक्ट जो है 2 करोड़ मेगा प्रोजेक्ट में है, IDMT कुछ स्कीम में आया, मेगा प्रोजेक्ट का उन्होंने नाम देके 2 करोड़ रखा है। तो तमाम कौंसलों ने ये एक माइंड जो चर्चा हुई कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सभी उन्होंने कौंसलों ने माना, तो उसको लेके जो हमारे प्रेजिडेंट थे, प्रेजिडेंट चले गए दिल्ली के अंदर और चेयर हमारे जो वाइस प्रेजिडेंट हैं उन्होंने की और उन्होंने रेजोल्यूशन डलवाया, और रेजोल्यूशन डलवाने के बाद उन्होंने क्या किया कि वो अपनी मर्जी से ही कोई अंदर ही उन्होंने अपनी लिस्ट तैयार की और हमें कहने लगे कि मैं कमिश्नर साहब के पास जाऊंगा तो वहाँ हम चर्चा करेंगे, अगर बाई द वे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं मानी उन्होंने तो तब का। हमने कहा बड़े बड़े गेट, 3 गेट बना दीजिए, कॉमन सिस्टम से 3 गेट बना दीजिए, लेकिन वो 3 गेट उन्होंने छोटे से अमाउंट से बनाए और बाकी सारे काम अपने डाल दिए। लेकिन मैं आपके माध्यम से एलजी साहब को कहना चाहता हूँ कि गुड गवर्नेंस की आप बात करते हैं, लेकिन ये गुड गवर्नेंस नहीं चल रहा है। ये आप जहाँ एक कमेटी गठित कीजिए, हम जब भी कंप्लेंट कमिश्नर साहब के पास भेजते हैं वो कहते हैं कि काउंसिल के अंदर ही डिस्पोज ऑफ कीजिए, लेकिन मैं एलजी महोदय से कहना चाहता हूँ जहाँ एक टीम गठित कीजिए और काउंसिलों को पूछिए कि उनकी क्या हालत है। ये जहाँ तानाशाही चलने वाली नहीं है, और हम अभी एक रेजोल्यूशन डालेंगे और इस जो इन्होंने जितना भी इन्होंने इसमें डाला हुआ है सिस्टम की जो डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का एक रेजोल्यूशन लाएंगे और इसको हम बराबरी से बांटेंगे। आपके माध्यम से उधमपुर वासियों को यही कहना चाहता हूँ, जय हिंद जय भारत।